These are difficult times. Whole world seems to be at a standstill. We are all waiting for these days to pass, but the hope seems to be sinking into the horizon. Wait, is it really the whole world? No, the birds are free. Flowers are blooming. Winds are whistling with the hope of new life. There is new life. So, what exactly is this? Is it an end or a new beginning? This is Kundan from countingkms.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. Hello friends, first of all, if you are watching this video till here, it probably means that jo shuru mein ye sequence dikhaya wo aapko pasand aaya hai. अगर पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करिए. विल वी ऑल नो दैट दिस लॉकडाउन इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन ऑफ अस. सबको तकलीफ हो रही है, सब अपने अपने घरों में अटके हुए हैं. लेकिन इन लॉकडाउन के दिनों में अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा, अगर कुछ नया स्किल आपने अपनाया नहीं है, तो आप इस समय को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए आपको, खुद को ऐसा लगना चाहिए. दिस इज वॉट आई हैव बीन डूइंग. पिछले 15 दिनों में मैंने इसी बात पे काम किया है. मैं ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने व्लॉग्स में, अपने वीडियोस में, जो भी मैं हर हफ्ते आपके सामने लाता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से एक कहानी आपको कैसे बता पाऊँ. जो भी पिछले 15 दिनों में सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसी में से ये वीडियो बन के निकला है. सो वंस अगेन आई एम सेइंग, जो इंट्रो में आपने सीक्वेंस देखा, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो ओवर हियर और जाके कमेंट करिए, गिव योर फीडबैक, गिव योर सजेशंस. अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस, ऐसे फुटेजेस काउंटिंग किलोमीटर्स में ज़्यादा दिखने चाहिए, तो वो बताइए. अगर पसंद नहीं आया है तो वो भी बताइए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू. आपको जो पसंद आता है वही हम दिखाना चाहते हैं. वेल एनीवेज, यहाँ से आगे इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है इसी वीडियो का, इसी सीक्वेंस का बिहाइंड द सीन स्टोरी. ओवरऑल एक बीरोल सीक्वेंस में से स्टोरी कैसे दिखाई जाती है, जो भी मैंने पिछले 15 दिनों में सीखा है, जितने भी ट्यूटोरियल देखे हैं यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट मैंने आधा टाइम यूट्यूब पे ही स्पेंड किया है ट्यूटोरियल्स और अलग अलग वीडियोस देखते हुए. सो उसमें से जो भी सीखा है वो सिंप्लीफाई करके इसी सीक्वेंस का एग्जांपल लेके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ. सो अगले 5-6 मिनट जो भी ये वीडियो होगा, आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, 5 मिनट्स में भी. सो अगले 5 मिनट में इसी वीडियो को कैसे बनाया वो देख लेते हैं. किसी भी बीरोल सीक्वेंस में सबसे पहले बात आती है स्टोरी की. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कैमरा निकालो, कुछ भी शूट करो और बस एक के पीछे एक अलग अलग शॉट्स डालते जाओ और वो अच्छा सीक्वेंस बन के आएगा. मैं भी ऐसा ही करता था. अगर आप पुराने वीडियोस जाके देखेंगे ना, पिछले एक साल में, शायद पहले 6-7 महीने में जितने भी वीडियोस डाले हैं ना काउंटिंग किलोमीटर्स पे, आप जाके देखिए, वो वीडियोस ऐसे है ना कि जिसमें मैं भी यही करता था. मुझे लगता था कि मैं किसी फूल का बहुत अच्छा क्लोजअप शॉट लूँ, एक नेचर का पैनिंग शॉट लूँ और वो एक के पीछे एक डाल दूँ तो बस हो गया मेरा बीरोल. लेकिन ऐसा नहीं है. आपको हर एक बीरोल सीक्वेंस में कोई ना कोई स्टोरी देनी पड़ेगी, तभी वो बीरोल अच्छा बन के आएगा. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो स्टोरी मैंने डालने की कोशिश की है, वो स्टोरी ऑफकोर्स ये थी कि लॉकडाउन जो फिलहाल सिचुएशन है, ये एक डिफ़िकल्ट दौर है. लॉकडाउन की वजह से पूरी ज़िंदगी मानो रुक सी गई है. तो बेसिकली इस लॉकडाउन की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है,
किस तरह से ये लॉकडाउन हम पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये सिंबॉलिकली मुझे दिखाना था। एंड इन द सेकेंड हाफ, जैसे आपने बहुत से न्यूज में, बहुत से फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियोज आ रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो रहा है, ओजोन लेयर रिपेयर हो रहा है अपने आप, फिशेस और अलग अलग क्रीचर्स जो है समुंदर किनारे कहीं रस्ते पे घूमते हुए दिख रहे हैं, तो ये सब तो प्लस पॉइंट्स है, इस कोरोना वायरस की देन है हमारे लिए। दिक्कतें सबको आ रही है, लेकिन इसमें से हम जब बाहर निकलेंगे तो पहले से एक बेहतर दुनिया में हम जिएंगे। दैट्स द स्टोरी आई वॉन्टेड टू कन्वे। इसी स्टोरी को एक सिर्फ बीरोल सीक्वेंस में से दिखाने की कोशिश की है। वेल, दैट वॉज अबाउट द स्टोरी पार्ट। सेकेंडली, आपको जो लोकेशन दिखाना है, सबसे पहले आपको उस लोकेशन को एस्टैब्लिश करना है। पहले एक या दो शॉट्स में देखने वाले को पता चलना चाहिए कि आप किस लोकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। सो सबसे पहला पार्ट होता है एस्टैब्लिशिंग शॉट्स। लेट्स गो एंड सी एस्टैब्लिशिंग शॉट्स किस तरह से लिए इस वीडियो के लिए। सबसे पहला था ये रोड का शॉट, जो मैंने कोशिश की है कि लॉकडाउन की वजह से पूरे बंद और सुनसान पड़े हुए रास्ते एक सिंबॉलिकल दिखाने की कोशिश की है। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई स्विच्ड ऑन टू द लोकेशन शून्डन, हमारी कैंपसाइट, हमारा घर, कि मैं घर पे ही हूँ, घर पे ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपने घर से ही आपको जो भी है दिखाने वाला हूँ। सो विद इन दिस 3 or 4 शॉर्ट्स यू गेट अ क्लियर आइडिया कि मैं किस लोकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यू शुड प्रॉम्प्टली एस्टैब्लिश योर लोकेशन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर बीरोल सीक्वेंस। लोकेशन आपने एस्टैब्लिश कर लिया, अब सबको पता है कि इस बीरोल सीक्वेंस की जो भी कहानी है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कहानी का मूड, कि ये एक हैप्पी कहानी है या सैड कहानी है, दर्द भरी है या आप कुछ उसमें से होप दिखाना चाहते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर स्टोरी आई डिसाइडेड टू टेक सम पोर्ट्रेट शॉट्स, अल्ट्रा क्लोजअप शॉट्स ऑफ प्रियंका एंड ईवा, जिसमें दे बोथ सीम टू बी लाइक लॉस्ट इन सम थॉट्स। एक प्रकार का डर है उनके चेहरे पे, जो ऑब्वियसली हम सबके मन में है इस कोरोना वायरस को लेकर। किसी प्रकार की चिंता है कि ये सब कब खत्म होगा और कब अपनी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। आपकी स्टोरी एस्टैब्लिश होती है लॉन्ग शॉट्स से, जो वाइड एंगल शॉट्स है, लैंडस्केप शॉट्स है, और उस स्टोरी का जो थीम है, जो थॉट है, वो जनरली क्लोजअप शॉट से एस्टैब्लिश होता है। आप या तो अल्ट्रा क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो या मीडियम शॉट्स ले सकते हो। टू थ्रो इन सम चेंज आप अलग शॉट्स ले सकते हो, जिसमें एकदम लो टू द ग्राउंड आप शूट कर सकते हो, जिसमें एक मोशन का फील आता है। तो थोड़ा सा क्रिएटिव सोच के आप अच्छी तरह से अपनी स्टोरी का एक थीम प्रेजेंट कर सकते हैं। देन द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट फील। आपने स्टोरी एस्टैब्लिश कर ली, सबको पता है कि आपकी स्टोरी कहाँ पे चल रही है, आपने उसका थीम एस्टैब्लिश कर दिया, सबको पता है कि आपकी स्टोरी में क्या हो रहा है, लेकिन उनको खुद को वो चीज़ फील होनी चाहिए। और वो फील होती है जब आप उसमें अलग अलग क्रिएटिव फिलर शॉट्स डालते हैं। जैसे ये स्टेशनरी लाइफ दिखाने वाला शॉट था, फिर एक लाइफ दिखाने वाला शॉट था जिसमें फूल का क्लोजअप था, फिर सीड्स का क्लोजअप था, फिर छोटे छोटे वो चूजे। ये अलग अलग चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को उस कहानी की फील में खुद को लेकर आ सकते हैं। सो ये तीन जो चीज़ें हैं ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बीरोल सीक्वेंस में। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग योर लोकेशन, सेकंड इज एस्टैब्लिशिंग योर थीम, एंड थर्ड इज गिविंग द फील ऑफ दैट एंटायर स्टोरी टू द ऑडियंस। अगर आप ये तीन चीज़ें आप करते हैं तो यू हैव डन आई विल से 60-70% ऑफ द पार्ट, बिकॉज जो बाकी 30-40% है दैट इज अबाउट पोस्ट प्रोसेसिंग। When you come down to editing, सबसे important चीज़ होती है music। आप कौन सा song choose करते हो उस story के लिए, does it go with the tone? शायद आप में से किसी को लगा होगा कि जो background music मैंने इस particular story के लिए choose किया था वो बहुत ही ज़्यादा sad था, लेकिन I did it purposely, क्योंकि मुझे उस story में आपको लेके जाना था। I wanted you to feel that everything is about to end and then I wanted to give you a hope, so that is why I chose that kind of a background song. सेकेंडली, देयर साउंड डिजाइन, साउंड इफेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक। जो साउंड इफेक्ट्स आपने सुने इसमें, टिकिंग साउंड था क्लॉक टिकिंग का, फिर हवा की आवाज़ थी, फिर हर एक ट्रांजिशन के पीछे एक वुश साउंड इफेक्ट था, उन सब चीज़ों से उस पूरी स्टोरी का एक अच्छा सा मोमेंटम बनता है। अगेन, ट्रांजिशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट,
ट्रांजिशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से व्यूअर का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए. एंड देन द लास्ट आई कैन से एन ऑप्शनल पार्ट इन दिस इज वॉइस ओवर. अगर आपको लगता है कि इसमें वॉइस ओवर डाल के आप इस स्टोरी को एनहांस कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकते हो तो वॉइस ओवर ज़रूर डालिए, क्योंकि वॉइस ओवर एक अपना अलग इम्पैक्ट लेके जाता है, पर्सनल टच उस स्टोरी को देता है. वेल दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट व्हाट आई हैव लर्न्ड इन द पास्ट 15 डेज ऑफ दिस लॉकडाउन, और उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखने की कोशिश की है विथ एन एग्जाम्पल विच आई हैव डन माईसेल्फ. जो 15 दिनों में मैंने सीखा है उसके ऊपर मैंने जो काम किया है वो आपके सामने रख के उसी एग्जाम्पल के साथ वही सब चीजें आपसे शेयर करने की कोशिश की है. आई होप यू हैव लाइक दिस एफर्ट. अगर लाइक किया है तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को. बिहाइंड द सीन्स और बिहाइंड द सीन्स के साथ वो शॉर्ट्स किस तरह से निकल के आए थे वो तो आपने अभी पूरे वीडियो में देखे हैं, लेकिन उसमें एडिटिंग करने के बाद जूम इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, वॉइस ओवर, म्यूजिक और साउंड डिजाइन सब डालने के बाद, सब मिर्च मसाला डाल के पूरी रेसिपी तैयार करने के बाद जो बना है वो फिर एक बार देखेंगे. और उसी के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए वीडियो के साथ. ऑफकोर्स कहीं नई प्लेस होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि लॉकडाउन है, घर में पड़े हुए हैं, तो घर से ही कुछ ना कुछ लेके आएंगे आपके लिए. तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स. These are difficult times. Whole world seems to be at a standstill. We are all waiting for these days to pass, but the hope seems to be sinking into horizon. Wait, is it really the whole world? No, the birds are free. Flowers are blooming. Winds are whistling with a hope of new life. There is new life. So, what exactly is this? Is it an end or a new beginning?